Assalamu alaikum, I'm Faryal Khan and I'm a founder and CEO of the Evolve firm where I'm collaborating each and every facet of life on inclusive level. जहाँ पे मैं 60 years जो हमारे जो लोग जिनको retire कर दिया जाता है 60 years के बाद जो इस मुल्क का asset हैं वो लोग जो हमारे जैसे young adults हैं वो जो new ventures और new like उनको guidance की ज़रूरत होती है इस तरह के intellectual से and as well as जो हमारी नई खेप आ रही है न्यू स्टार्टर मेंटर्स लेके टीनएजर्स जो हमारी ई कॉमर्स इंडस्ट्री का फ्यूचर है आगे उन सबको आपस में मैं अपनी अकॉर्डिंग टू थीम और अकॉर्डिंग टू अपनी जो एजेंडा उनको आपस में कोलैबोरेट करवाती हूँ. हमारा इवॉल्व प्लेटफॉर्म ये काम कर रहा है. एंड सेकंड थिंग ये कि ऑफकोर्स इट इज ब्रिंग टू यू नो लाइक सेलिब्रेट द डाइवर्स जब डाइवर्स माइंड्स मिलते हैं तो इंक्लूसिवनेस आती ही आती है और एक दूसरे को लोग स्पेस देते हैं और एक नई अवेयरनेस और एक फैसिलिटेटिंग चीज हमारे इंस्टीट्यूशंस में शुरू हो जाती है जो इस टाइम पाकिस्तान के इंस्टीट्यूशंस की डायर नीड है स्पेशली आफ्टर दिस पेंडेमिक सिनेरियो पोस्ट पेंडेमिक सिनेरियो. एंड इवॉल्व प्लेटफॉर्म इस चीज पे लास्ट 9 months से काम कर रहा है एंड इट इज गोइंग सक्सेसफुली अल्हम्दुलिल्लाह. आज हमारी थीम है टूरिज्म टूरिस्ट इंडस्ट्री के बारे टूरिज्म एंड इट्स इन द पोस्ट पेंडेमिक सिनेरियो. टूरिज्म को लेके वैसे हमारे यूथ के माइंड में और जो हमारे जो घर के जो बड़े हैं वो इसको सैर सपाटे के तौर पे लेते हैं और इसको जो है एक कन्वेंशनल वे में लेते हैं. इसका पाकिस्तान में इसका क्या मीनिंग है. पाकिस्तान एग्री और टेक्सटाइल के बाद थर्ड स्टेप पे टूरिज्म पे डिपेंड कर रहा है उसकी इकोनॉमी जो कि स्टूडेंट्स को पता है और हम बहुत सारे लोगों को नहीं पता कि टूरिज्म हमारा नेक्स्ट फ्यूचर है इस पाकिस्तान का. और आज हम इस टूरिज्म की थीम पे बात करेंगे पोस्ट पेंडेमिक सिनेरियो में स्पेशली के टूरिज्म क्या है और टूरिज्म इंडस्ट्री का क्या मेन रोल है पाकिस्तान में और ये इंडस्ट्री क्या काम करती है और इसका पाकिस्तान पे इसके सोशली इकोनॉमिक और इसके क्या इम्पैक्ट्स हैं. आज हम बहुत ही मज़े की कॉन्वर्सेशन करने वाले हैं और हमारे साथ वंडरफुल स्पीकर्स हैं बिलाल असलम हु इज़ द सीईओ एंड फाउंडर ऑफ टूरिस्ट इंडस्ट्री एंड एज वेल एज द फाउंडर ऑफ एजुफॉक्स एजुकेशन हायर एजुकेशन कंसल्टेंट एजेंसी. एंड सेकेंड वन हमारे पास हैं जमील अरशद जिनका हुआ एज अ वंडरफुल क्राफ्ट हु इज एक्सपीरियंस पर्सन वेरी एक्सपीरियंस पर्सन इन दिस फील्ड. वो इमेट मैनेजमेंट कंपनी के भी फाउंडर हैं वो टूरिज्म इंडस्ट्री के भी हैं और एज वेल एज वो कलरी एंड होटल इंस्टीट्यूट ऑफ पाकिस्तान के नाम से भी वो एक बहुत बड़ा पाकिस्तान का इदारा चला रहे हैं. एंड थर्ड वन इज हमारे पास हैं अब्दुल मजीद जो कि इस फील्ड में जो है वो नए आए हैं और उनका अभी ही नवंबर में रिसेंटली उनका बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का इफ्तिताह हुआ है जो कि पूरा पाकिस्तान ने देखा है स्पेशली लाहौर तो उनकी ब्रांडिंग से जगमगा रहा है कि गो ग्लोबल उनके नाम से उनकी ही इज़ दी उनकी जो है टूरिस्ट इंडस्ट्री जो है और उनका उन्होंने बहुत ही वंडरफुल इनिशिएटिव लिया है एंड वी आर ऑल लुकिंग फॉरवर्ड टू हैव दिस गो ग्लोबल टूरिस्ट इंडस्ट्री कि इसका जो है वो क्या इम्पैक्ट पड़ता है हमारी पाकिस्तान की टूरिस्ट इंडस्ट्रीज के साथ और इसका ओवरऑल क्या इम्पैक्ट पड़ता है तो आज हम जानेंगे. तो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स हैव अ स्टार्ट दिस वंडरफुल कॉन्वर्सेशन फ्रॉम बिलाल असलम के व्हाट इज टूरिज्म. पहले तो बहुत सारे लोग जो है टूरिज्म को ट्रैवलिंग से कन्फ्यूज करते हैं. टूरिज्म क्या चीज़ है और ट्रैवलिंग क्या चीज़ है ये दो चीज़ें डिफरेंट हैं तो इसको आज हम जानेंगे इसको ज़रा क्लियर करेंगे हमारे अवाम की फैसिलिटेशन के लिए कि टूरिज्म क्या चीज है और ट्रैवलिंग क्या चीज है. लेट्स हैव अ स्टार्ट. यस बिलाल परियाल फर्स्ट थैंक यू फॉर द अपॉर्चुनिटी कि आपकी वंडरफुल ऑडियंस के साथ बात की जाए और इट्स ऑलवेज अ प्लेयर कमिंग ऑन द इवॉल्व प्लेटफॉर्म. और कमिंग ऑन योर क्वेश्चन फर्स्ट कि ट्रैवल और टूरिज्म में फर्क क्या है. नॉर्मली लोग आपने जैसे कहा कि इसको एक ही समझते हैं बट मेन फर्क ये है कि टूरिज्म ज्यादा टारगेटेड होता है टूवर्ड्स लेयर की जब हम बात करते हैं कि जो घूमना फिरना जिसको आप सैर सपाटा कहते हैं इन अदर वर्ड्स. जबकि ट्रेवल की अगर हम बात करें तो ट्रेवल का जो रीजन होते हैं वो बिजनेस ट्रेवल भी हो सकता है प्लस उसके साथ वो जैसे हम लोग जा रहे होते हैं लाइक अपने रिलेटिव से मिलने जाते हैं या हम नॉर्मली किसी और पर्पज से ट्रेवल कर रहे होते हैं कोई बिजनेस या जॉब के हवाले से. या कई दफा ये होता है कि जैसे पाकिस्तान में भी आप देखते हैं कि हमारे बहुत सारे ओवरसीज पाकिस्तानीज जो पूरी दुनिया में जॉब्स कर रहे हैं वो पाकिस्तान वापस आते हैं और इसको भी हम ट्रेवल कहते हैं. अब इन दोनों में मेन फर्क की तो हमने बात कर ली कि ये कि ट्रेवल क्या है और टूरिज्म क्या है.
लेकिन इसके साथ साथ इन दोनों की इम्प्लीकेशंस अलग अलग हैं। जैसे अगर हम टूरिज्म की बात करते हैं तो टूरिज्म इकोनॉमी में बहुत ज्यादा पैसा लेकर आता है और एक इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज बहुत ज्यादा जनरेट करता है। और ये इंडस्ट्री दोनों अलग अलग है कि टूरिज्म इंडस्ट्री का रोल क्या होता है कि वो ट्रेवलर्स को अट्रैक्ट करती है और उनके सेफ एंड सिक्योर और कम्फर्ट स्टे को इंश्योर करती है इन टर्म्स ऑफ प्रोवाइडिंग इंफ्रास्ट्रक्चर लाइक होटल्स, रेस्टोरेंट्स, कैफेज, यू नो, मॉन्यूमेंट्स, म्यूजियम्स, एंड इन टर्म्स ऑफ सर्विसेज लाइक जैसे आपकी कार रेंटल्स होती हैं, आपकी टूर गाइड्स होते हैं। तो इस तरह से ये टूरिज्म इंडस्ट्री इसमें दोनों सूरतों में फैसिलिटेशन कर रही होती है। और इन रिटर्न जो टूरिस्ट आता है वो वहाँ पे पैसा लेकर आता है, इकोनॉमी में कैपिटल इंजेक्ट करता है, और वो पैसा फिर हेल्प करता है आउटसाइड ऑफ दैट एरिया कम्युनिटीज को भी। कि जैसे अगर हम पाकिस्तान की बात करते हैं तो मे बी जो टूरिज्म होगा वो हमारे नॉर्थ की तरफ काफी होगा, लेकिन जो टूरिस्ट पैसा लेकर आएगा वो पैसा पूरे पाकिस्तान की इकोनॉमी में इंजेक्ट हो रहा होगा। तो टूरिज्म का जो एक पॉजिटिव इम्पैक्ट है इन टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयबिलिटी, इन टर्म्स ऑफ लाइक प्रॉफिटेबिलिटी और इम्प्रूवमेंट द लाइफ एंड वेलबींग ऑफ दैट पीपल, वो बहुत ज्यादा है। और ट्रेवल जो है ऑन द अदर साइड, ट्रेवल इज ऑल्सो वेरी असेंशियल। सो बोथ ऑफ दीज थिंग्स गो हैंड इन हैंड, बट दोनों की प्रायोरिटीज अलग होती हैं, बाइंग पैटर्न्स अलग होते हैं और उसका इकोनॉमिक आउटकम्स अलग अलग होते हैं। या वंडरफुली एक्सप्लेन कि ट्रैवलिंग का क्या मतलब है और टूरिज्म का क्या मतलब है। टूरिज्म जो है वो बहुत ज़्यादा लोग इसको कंफ्यूज करते हैं ट्रैवलिंग के साथ, और टूरिज्म जो है वो एक इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी है, एक अपने पर्सनैलिटी को ग्रूम करने की एक बहुत ही ज़बरदस्त अपॉर्चुनिटी है, और किसी भी दूसरे कल्चर को, किसी भी दूसरे मुल्क को, लोगों को, उसकी हिस्ट्री को, उसकी आर्कियोलॉजी को, लाइक उसके कल्चर को डिस्कवर करने की एक ज़बरदस्त अपॉर्चुनिटी होती है टूरिज्म, जो कि एक टूरिस्ट करता है। यस, ओके, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है एग्जैक्टली ट्रू। ओके, टूरिज्म का वेस्टर्न कंट्रीज में तो ये एक पूरा मतलब इस पे लोग पीएचडी भी करते हैं और इस पे जो है वो एक पूरी इंडस्ट्री है वेस्ट में, जबकि पाकिस्तान में मतलब हमारे यहाँ जो कल्चर है स्पेशली लड़के लड़कियों को लेके अभी तक इस 2021 में, इस पोस्ट ग्लोबलाइजेज में, ग्लोबलाइजेशन के फिफ्थ फेज में एंड पोस्ट यू नो लाइक पोस्ट डिजिटल एज में, हम लोग अभी तक लड़का लड़की की एजुकेशन के बारे में बात करें, अभी तक पाकिस्तान में ये बातें हो रही हैं कि कितनी शरह है लड़कियों की, और अभी तक हम लोग इस चीज़ से बाहर नहीं निकले, इस यू नो लाइक सेक्सिएस्ट कॉन्टेक्स्ट से हम लोग बाहर ही नहीं निकले कि एजुकेशन का ताल्लुक जेंडर से नहीं है, इसका ताल्लुक जो है वो ह्यूमन से है, और इसमें चाहे वो छोटा बच्चा है, चाहे वो 70 साल का कोई बूढ़ा आदमी है, एजुकेशन किसी भी एज में हासिल की जा सकती है, ये कॉन्सेप्ट तो यहाँ पे अभी नहीं आया। तो अभी तक हम लोग इस कॉन्टेक्स्ट से बाहर नहीं निकले, अभी तक हम लोग लड़के लड़कियों की एजुकेशन पे बात कर रहे होते हैं स्टीरियोटिपिकली और बहुत ही कन्वेंशनल और बहुत ही टॉक्सिक वे में अभी तक इसकी जो है वो बात हो रही होती है। तो हाउ तो अभी टूरिज्म जो है उसको एजुकेशन के में भी जो है वो केपी वाली साइड पे कोहार्ड यूनिवर्सिटी में और डिफरेंट वहाँ पे यूनिवर्सिटीज में बीएस स्टार्ट कर दिया है, जो कि इट्स अ वंडरफुल इनिशिएटिव बाय द केपी गवर्नमेंट और बहुत ज़बरदस्त इनिशिएटिव है ये। बट द थिंग इज, सबसे पहले तो ये एक चीज क्लियर करना जरूरी है कि इस डिपार्टमेंट को एज ए इंडस्ट्री कैसे देख सकते हैं, जैसे कि यू आर द फाउंडर, यू ऑल आर द फाउंडर ऑफ टूरिस्ट इंडस्ट्री, तो इसके इससे हम पूछेंगे जमील अरशद से कि इस चीज, इस डिपार्टमेंट को हम लोग इंडस्ट्री एज ए इंडस्ट्री कैसे देख सकते हैं और आवाम को कैसे बता सकते हैं कि ये एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है जो आपकी इकोनॉमी, आपका लिविंग स्टाइल, आपकी हर चीज जो है वो बूस्ट कर सकती है और एक नया पर्सपेक्टिव जो है क्रिएट कर सकती है। थैंक यू फरियाल। फर्स्ट ऑफ ऑल तो जो मेरा ख्याल है कि अभी तक पाकिस्तान गवर्नमेंट ने ये अवेयरनेस ही नहीं दी हमें। इवन मैं टूरिज्म में काम कर रहा हूँ, बिलाल काम कर रहे हैं, मजीद साहब काम कर रहे हैं, आई एम श्योर कि हम में से कोई भी गवर्नमेंट की साइड से कोई सपोर्ट इस तरह नहीं ले रहा कि जी टूरिज्म इज एन इंडस्ट्री इन पाकिस्तान। सबसे पहले तो ये कि हमारे लेवल पे भी अभी तक इसको इंडस्ट्री डिक्लेयर नहीं किया गया, नंबर वन। अच्छा, और मैं हमेशा बात करता हूँ कि इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट कि अभी थोड़ा अरसा पहले प्राइम मिनिस्टर साहब जब से ये गवर्नमेंट आई उन्होंने अपना फोकस टूरिज्म पे जरूर रखा, बट उन्होंने टूरिज्म को एज एन इंडस्ट्री डिक्लेयर नहीं किया। उन्होंने कंस्ट्रक्शन साइड को इंडस्ट्री डिक्लेयर करके एक जो ईंटें लगाने वाला मजदूर है या भट्टे पे काम करने वाला मजदूर है उनको तो एक इंडस्ट्री के प्लेटफॉर्म पे ले आए, एक अम्ब्रेला के नीचे ले आए, लेकिन tourism is not an industry till now in Pakistan, it's in a department.
अच्छा वो डिपार्टमेंट भी अगर आप देखें तो प्रोवेंशियल लेवल पे अपनी अपनी कैपेसिटी में काम कर रहा है। जो पीटीडीसी पाकिस्तान टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन थी वो बिल्कुल डोरमेंट हुई हुई है। अच्छा तो आपका क्वेश्चन था कि इसको पीटीडीसी पाकिस्तान टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन जो फेडरल का एक अदारा था जिसने पूरे पाकिस्तान में टूरिज्म को डेवलप करना था सारा कुछ करना था। हालांकि अगर आप ये देखें अगर हम पाकिस्तान में टूरिज्म की अपॉर्चुनिटीज की बात करें तो अगर आप कराची से ट्रेन में बैठें और पिशावर तक आएं आफ्टर एवरी 40th किलोमीटर यू विल फील कि आपको कल्चर चेंज मिलेगा आपको लैंग्वेज चेंज मिलेगी आपको लैंडस्केप चेंज मिलेगा। आप समंदर देखते हुए डेजर्ट देखेंगे डेजर्ट देखते हुए ग्रीन फील्ड्स में आएंगे ग्रीन फील्ड्स को देखते हुए आप चले जाएंगे हिली एरिया में। मेरा ख्याल है जितना रिच टूरिज्म लकीली हमारे पास है वो शायद दुनिया में बड़े कम मुल्कों के पास है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारी गवर्नमेंट साइड पे कभी भी ये प्रायोरिटाइज नहीं किया गया। अगर हम अपने सराउंडिंग में देखें और बहुत दूर ना जाएं तो आप अगर दुबई की एग्जांपल ले लें तो दुबई ने अपने आप को खड़ा ही सिर्फ टूरिज्म की बेस पे किया। आप थाईलैंड की एग्जांपल ले लें थाईलैंड की एग्जांपल ले लें थाईलैंड ने अपने आप को खड़ा ही टूरिज्म की बेस पे किया। आप मलेशिया को देख लें हम इंडिया के साथ आज तक अपने रिलेशन ठीक नहीं कर सके बट इंडिया ने हमारी निस्बत अपने टूरिज्म को बहुत बेहतर किया। और इवन के अभी जो अच्छा रीसेंट एग्जांपल है वो टर्की है। टर्की भी तो टूरिज्म पे टर्की देखिए अच्छा काम कर रहा है। टर्की की मैं एग्जांपल आपको दो हवाले से दूंगा। जी मेरा चूंकि कुछ कांटेक्ट रहता है अपने बिजनेस के हवाले से डॉक्टर्स के साथ। ओके टर्की ने जहां अपना टूरिज्म डेवलप किया अपनी साइट सीइंग और उस हवाले से टर्की ने अपना मेडिकल टूरिज्म बहुत डेवलप किया। आप वाह कभी टर्की टर्की अगर आप थोड़े से अच्छे सीजन में जाएं जब बहुत ज्यादा सर्दी नहीं होती तो आपको वहां पे दो तरह के लोग तकरीबन हर होटल में नजर आएंगे और वो यूरोपियंस और गल्फ स्टेट्स के लोग नजर आएंगे आपको। एक वो लोग नजर आएंगे जिन्होंने नाक के ऊपर पट्टी लगाई हुई होगी। ये वो लोग हैं जो अपनी कॉस्मेटिक सर्जरी आके टर्की से करवा रहे हैं। अच्छा अच्छा एक वो लोग नजर आएंगे आपको जिन्होंने सर के पीछे पट्टी लगाई हुई होगी। ये वो लोग हैं जो अपना हेयर ट्रांसप्लांट करा रहे हैं आके। अच्छा टर्की ने इतना मैसिवली यूरोप में और गल्फ स्टेट में अपने मेडिकल टूरिज्म को मार्केट किया है कि यू कांट इवन इमेजिन एंड दे आर मिंटिंग मनी आउट ऑफ दिस सेगमेंट। ओके उनके हॉस्पिटल्स अच्छा उनके हॉस्पिटल्स ने पूरी पूरी मार्केटिंग टीम रखी हुई है जो जिन्होंने अपने लोकल ऑफिसेस डेवलप किए हुए हैं वहां पे इन कंट्रीज में जाके और वो इसे प्रॉपरली मार्केट कर रहे हैं। और बिलाल ने अभी जो बात की कि टूरिज्म जिस तरह से एक मुल्क की इकोनॉमी में इंजेक्ट करता है पैसे को दिस इज वन ऑफ द एक्सीलेंट एग्जाम्पल टर्की की सूरत में कि वो जो मार्केटिंग कंपनीज हैं उनकी वो उनको एयर ट्रेवल से लेके उनका होटल स्टे उनकी रेंट ए कार उनका फूड एवरीथिंग ऑफर करते हैं उस पैकेज में। अच्छा इसको अगर आप पाकिस्तान से कंपैरिजन करें तो पाकिस्तान का जो मेडिकल साइड है ये मेरा ख्याल है कि टर्की से यूरोप से मिडल ईस्ट से इवन इंडिया से एंड चाइना से इज मच मच चीपर। यस यस पाकिस्तान की पाकिस्तान के हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स इन सारे मुल्क एरियाज की जिनका मैंने नाम लिया है इनसे बहुत बेहतर ट्रेंड है बहुत बेहतर एक्सपर्ट हैं। बट हम अनफॉर्चुनेटली हमारी गवर्नमेंट लेवल पे हमारे इंडिविजुअल लेवल पे एक या दो कंपनीज पूरे पाकिस्तान में आपको मिलेंगी जो मेडिकल टूरिज्म को प्रमोट कर रही हैं। अच्छा सर अच्छा, आप वो भी हॉस्पिटल लेवल पे। अच्छा, इसको, जो इसको हम आपका दूसरा क्वेश्चन जी जी जो आपका एक क्वेश्चन था एजुकेशन में टूरिज्म का तो मैं समझता हूँ कि ये जो बातें मैं कर रहा हूँ कि हमारी हमारे पास चूंकि अवेयरनेस ही नहीं है हमारे एजुकेशन सिस्टम में हमारे करिकुलम में हमारे एकेडमिया में कहीं पे भी टूरिज्म को अगेन प्रायोरिटाइज ही नहीं किया गया। अच्छा तो आप इसको एज अ फाउंडर ऑफ अच्छा प्लीज लेट मी से आप इसको एज अ फाउंडर ऑफ टूरिस्ट इंडस्ट्री आप जैसे कि अभी आपने कहा कि पाकिस्तान में इसको डिपार्टमेंट के तौर पर देखते हैं तो इसको जो है इंडस्ट्री का मैंने जो आपसे क्वेश्चन किया था इसमें आप एज अ डिपार्टमेंट तो आपने डिस्टिंग्विश किया है अब एज अ इंडस्ट्री आप काइंडली जाएं कि पाकिस्तान में आप इसको इंडस्ट्री के तौर पर कैसे देखते हैं और इंडस्ट्री के बारे में बताएं कि ये इंडस्ट्री है क्या टूरिस्ट इंडस्ट्री है क्या जिसकी वजह से लोगों को अवेयरनेस नहीं है और इसको इसके लिए क्या क्या आप लोग मैं अर्ज करता हूं। देखें
आप अगर अपने अगेन मैं आपके जो पहले वाला क्वेश्चन था उसको थोड़ा सा बात करते हुए साइड पे आऊंगा, आप ये देखें कि पाकिस्तान में आप डॉक्टर बनते हैं, आप इंजीनियर बनते हैं, आप बिजनेस प्रोफेशनल बनते हैं, आप आईटी प्रोफेशनल बनते हैं, आपके पास ये सारी फील्ड्स आपके करिकुलम में, आपके इंस्टीट्यूशंस, आपकी यूनिवर्सिटीज, कॉलेजेस, ये सारे करिकुलम्स ऑफर कर रहे हैं और यही चीजें हमारे बच्चों के सामने हैं जिनको वो ऑप्ट कर सकते हैं। इस सारी लिस्ट में कहीं पे भी हमारा कोई इंस्टीट्यूट, हमारा कोई यूनिवर्सिटी, हमारा कोई कॉलेज ये ऑफर नहीं कर रहा जिसमें कोई बच्चा टूरिज्म को एज अ करियर ले सके। आप आज नॉर्दर्न एरियाज में इवन आप अपने आर्कियोलॉजिकल जो साइट्स हैं वहां पे आपको एक पढ़ा लिखा गाइड ढूंढना चाहें आपको एक भी नहीं मिलेगा, बिकॉज उनके पास कोई ऐसा सर जी। इसमें जैसा कि ये आप एजुकेशन सिनेरियो में आप डिस्कस कर रहे हैं उसको हम थोड़ा सा उसका मैंने सेगमेंट जरा बाद में रखा है, मैं उसको डिस्कस करूंगी एजुकेशन हवाले से क्योंकि इसमें काफी आपको पता है स्टीरियोटाइप और जनरलाइज बातें, मैंने अभी इस डिस्कशन के शुरू में ही मैंने आपको कहा था कि हम लोग अभी तक एक सेक्सुअल एक उससे बाहर ही नहीं आए, एक सेक्सिस्ट कॉन्टेक्स्ट से हम बाहर ही नहीं आए, हम लोग अभी भी ये बातें करते हैं कि लड़की को ये एजुकेशन हासिल करनी चाहिए और लड़के को ये एजुकेशन हासिल करनी चाहिए, हम लोग अभी तक इस कॉन्टेक्स से बाहर नहीं आए, तो ये हम ये जरा मैंने इसका रखा है टाइम, मैं हम इसको बाद में डिस्कस करेंगे। आपने एक्चुअली वो कोहार्ट यूनिवर्सिटी की जिक्र किया और एजुकेशन पे बात की तो इसलिए मैं इस साइड से बात करूं। एनीवेज हम इंडस्ट्री की साइड से आते हैं, मैं अगेन ये बात करता हूं, मैं हमेशा बात करता हूं कि पाकिस्तान में टूरिज्म इज अ सेगमेंट के जिसको अगर प्रॉपर इंडस्ट्री बना के गवर्नमेंट फैसिलिटेट करे और गवर्नमेंट लोगों को इनकरेज करे कि उसमें आए और इसमें काम करें तो आप यकीन कीजिए कि हमारी इकोनॉमी में जितना बूस्ट ये सेगमेंट दे सकता है शायद वो टेक्सटाइल भी ना दे, शायद वो कोई और सेगमेंट भी ना दे, अच्छा एग्रीकल्चर भी ना दे। और सर एज अ इंडस्ट्री एज अ इंडस्ट्री इसमें क्या क्या चीजें ऐड हैं, अगर इसको डिपार्टमेंट से हम इंडस्ट्री की तरफ शिफ्ट करते हैं तो इसमें क्या क्या चीजें ऐड होती हैं जिसकी वजह से हम इसे इंडस्ट्री। मैं वही अर्ज करता हूँ, इंडस्ट्री में जब हम बात करते हैं, आप टेक्सटाइल इंडस्ट्री की बात करें, आप किसी भी दूसरी इंडस्ट्री की बात करें, तो आपको गवर्नमेंट उसमें काम करने के लिए सर्टेन फैसिलिटेट करती है, सर्टेन कुछ प्रिविलेजेस देती है जिसको आप ऑप्ट करते हुए आप कोई फैक्ट्री लगाते हैं, आप कोई कंपनी फॉर्म करते हैं और लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे टूरिज्म साइड पे अभी तक पाकिस्तान गवर्नमेंट की तरफ से कोई ऐसी चीज फैसिलिटेट नहीं की जाती, कोई ऐसा रोड मैप नहीं दिया जाता जिसके ऊपर चल के हम कोई एक प्रॉपर कंपनी फॉर्म करें जिसमें हमें कोई टैक्सेशन में रिलीफ मिले, हमें कोई इस तरह के और चीजों में रिलीफ मिले जिसपे हम चलते हुए इसके लिए काम कर सकें। रादर हम समझते हैं कि जब बिलाल ने जैसे टूरिज्म में खासा काम किया हुआ है, इसका बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस है, ये मुझसे ज्यादा अच्छा इसमें इसकी टेक्निकलिटीज ब्रीफ करेंगे कि हमें जब भी डॉक्यूमेंटेशन करनी होगी किसी भी टूरिस्ट की जिसको हमने पाकिस्तान में लेके आना है, आप यकीन करें हम समझते हैं कि अमेरिका का वीजा लेना बड़ा सॉफ्ट है, बड़ा मुश्किल है, यूरोप का वीजा, शेंजन वीजा लेना बड़ा मुश्किल है, आप कभी बाहर के टूरिस्ट से बात करके देखें आपके अपने मुल्क का वीजा लेना बहुत मुश्किल है, नंबर वन। नंबर टू, जब हम इस इंडस्ट्री की बात करते हैं तो हमें यहाँ पे फॉरेन टूरिस्ट को ये मेक श्योर करना है कि वी विल टेक गुड केयर ऑफ देम इन शेप ऑफ लॉ एंड ऑर्डर, इन शेप ऑफ हिज ट्रेवलिंग, ये सारी चीजें, सिक्योरिटी, इन सारी चीजों को गवर्नमेंट ने मेक श्योर करना है, एक इंडिविजुअल नहीं कर सकता कोई, मैं अगर एक टूरिज्म कंपनी चला रहा हूं तो मैं उसकी सिक्योरिटी की गारंटी नहीं कर सकता, मैं उसकी लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन की गारंटी नहीं कर सकता, ये वो सारी चीजें हैं जो इसको इंडस्ट्री बनाएंगे और ये हमें गवर्नमेंट की तरफ से सपोर्ट चाहिए होगी, जब तक हमें ये सारी चीजें गवर्नमेंट इंश्योर नहीं करेगी हम टूरिज्म को बूस्ट कर ही नहीं सकते पाकिस्तान में, दिस इज द बेसिक थिंग इन माई ओपिनियन। ओके अच्छा, इस लेकिन मैं फिर बात रिपीट करूंगा कि अगर इसको प्रायोरिटाइज कर दे गवर्नमेंट और जो हमारे टूर ऑपरेटर्स हैं और टूरिज्म इंडस्ट्री में साइट पे काम करने वाले लोग हैं उनको प्रॉपर फैसिलिटेट कर दे, आई कैन गारंटी यू कि पाकिस्तान का टूरिज्म पाकिस्तान की इकोनॉमी में इतना ज्यादा बूस्ट कर सकता है कि शायद बाकी कोई इंडस्ट्री या कोई सेगमेंट इतना ना कर सकता। अच्छा मेरा सवाल है, अभी जैसे हमारे जो है जो स्पीकर हैं गो ग्लोबल के जो हैं इनिशिएटेड
लाइक अब्दुल मजीद जो है अभी जैसे टूरिज्म के हवाले से काफी इस तरफ लोग आ रहे हैं और इसकी तरफ इंडस्ट्री या इस डिपार्टमेंट की तरफ लोग आ रहे हैं, तो अगर गवर्नमेंट, सपोज मैं एक सिचुएशन आप लोगों के सामने ला रही हूँ, गवर्नमेंट को अगर हम नहीं वो फैसिलिटेट करती, फॉर एग्जाम्पल नहीं वो करती इस लॉ एंड ऑर्डर के हवाले से और सिक्योरिटी के हवाले से, वो नहीं वो कुछ करती आप लोगों के साथ, कोई नहीं आप लोगों के साथ आप लोगों को फैसिलिटेट करती, देन वॉट कैन बी द स्टेप्स? क्योंकि ये आप लोगों ने भी तो डिपार्टमेंट और अपनी इंडस्ट्री चलानी है. लाइक इफ यू आर क्लेमिंग दैट यू आर द फाउंडर ऑफ दिस इंडस्ट्री, तो आप लोगों के पास इसके अलावा फिर कोई तो साइड पे कोई, मतलब क्या आप लोगों के पास हल है, या आप लोगों के पास क्या, फिर क्यों आप लोगों की इंडस्ट्रीज हैं ये, और क्यों फिर आप लोगों के इनिशिएटिव्स हैं इस तरह के, अगर अगर गवर्नमेंट के बगैर आप बिल्कुल भी नहीं चल सकते, इन सब चीजों की इंश्योर हुए बगैर आप नहीं चल सकते, तो अदर वेज क्या है आप लोगों ने क्या रखे हैं? फरियाल देखें, अगर अगर गवर्नमेंट फैसिलिटेट नहीं करेगी ना, तो जिस तरह आज के दौर में पाकिस्तान में टूर ऑपरेटर्स काम कर रहे हैं, इसी तरह होता रहेगा। पाकिस्तान की टूरिज्म और पाकिस्तान के टूर ऑपरेटर्स जो हैं, वो आउटबाउंड पे काम कर रहे हैं, इनबाउंड पे काम नहीं कर रहे, ठीक है ना। आउटबाउंड सूरत में आपका पैसा बाहर जा रहा है, आपकी अपनी इकोनॉमी में पैसा इंजेक्ट नहीं हो रहा, सो दिस इज द डिफरेंस इन माय ओपिनियन। बाकी आपकी हद तक ही रह जाएगा और वहाँ के बाहर यहाँ के लोग जो है वो बाहर हम बेचते रहेंगे, यही हम लोग काम करते रहेंगे। ओके, तो ये बहुत बड़ा लॉस है जो हम कर रहे हैं, और गवर्नमेंट की फैसिलिटेशन ना होने की वजह से ये बहुत बड़ा लॉस कर रहे हैं हम लोग, क्रिएट कर रहे हैं, और जिसकी वजह से सारे कंट्रीज में लोग इनबाउंड पे काम करते हैं, हम अनफॉर्चुनेटली आउटबाउंड पे काम करते हैं। इवन कि हमारे तो नेचुरल लैंडस्केप है, हमें तो अल्लाह ताला ने दी ही इतनी खूबसूरत ज्योग्राफी है, और हमें तो हमारी तो प्रायोरिटी ही टूरिज्म होना चाहिए, मतलब एग्री के बाद सेकंड प्रायोरिटी टेक्सटाइल, थर्ड होनी चाहिए, मैं तो कहती हूँ अभी फर्स्ट जो है अब टूरिज्म ही होना चाहिए। जो आई थिंक 2019 में अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल जो टूरिस्ट जो कंट्रीज में सबसे पहला नाम हमारा आया है, पाकिस्तान जो है इट इज वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल कंट्री रिगार्डिंग टू टूरिज्म, तब भी हमारी गवर्नमेंट ने जो है वो इनिशिएटिव नहीं लिया। और इसके अलावा मैं एक और बात भी ऐड करूं कि आई वाज रीडिंग एन आर्टिकल इन प्रीवियस डेज, और वहां पर जो अभी जैसे आपने मेडिकल के हवाले से बात की है, यूरोप में जो एक्सपेंसिव होने के बायस और जो पेंडेमिक में जो सिचुएशन देखी है, क्योंकि बाहर के मुल्क में, क्योंकि मेरे अपने रिलेटिव्स भी रहते हैं और जैसे कि हमारे जानने वाले रहते हैं हम सबके, तो वहाँ पे वो लोग मेडिसिन नहीं प्रोवाइड करते, फौरन बंदा मर जाए वो पेन किलर देते हैं, वो मतलब वो आखिरी पीक हो जाती है बंदे की, वो उसको मेडिसिन नहीं देते, चाहे वो यूरोप है, चाहे वो चाइना है, चाहे वो अमेरिका है, चाहे वो कनाडा है, कोई भी कंट्री है। तो आई वॉज रीडिंग एन आर्टिकल इन डॉन न्यूज पेपर, तो आई थिंक इन ऑब्जर्वर और लाइक इट वॉज न्यूज, इट वॉज सम काइंड ऑफ एनालिसिस, तो उसमें ये था कि टूरिज्म के बाद बाहर के लोग जो यूरोप के लोग हैं और जो दूसरे लोग हैं, वो अब मेडिकल के हवाले से भी पाकिस्तान को देखते हैं, वो अपने इलाज के लिए पाकिस्तान में आते हैं लाइक, और ये चीज काफी अरसे से चल रही है पाकिस्तान में कि अब वहां का जो मेडिकल सिस्टम है, अब इस पेंडेमिक के बाद तो बहुत सारे लोगों का नजरिया भी इस हवाले से काफी चेंज हो गया है, लेकिन उनका जो ट्रीटमेंट का जो तरीका है, प्रोसेस है, उससे काफी लोग जो हैं वो लॉस कर जाते हैं अपनी लाइफ, तो वो पाकिस्तान में बिलीव करते हैं, वो पाकिस्तान की तरफ उसका काफी, वो बाहर के लोगों का काफी रुझान है यहाँ पे अपना इलाज करवाने का। तो ये मेरे लिए बड़ी शॉकिंग और करंट बात थी कि ये जो है हमारी मेडिकल इंडस्ट्री को भी जो है वो काफी हद तक बूस्ट करना चाहिए, हमारी मेडिकल इंडस्ट्री और इसके और जो हमारी जो टूरिस्ट इंडस्ट्री है, और इसकी एग्जांपल जैसे आपने दिया जमीर अर्शद टर्की की, तो ये बड़ा जबरदस्त कॉम्बो बन सकता है, हम टर्की को फॉलो करें तो ये दो चीजें हमारी बहुत अच्छी इकोनॉमिकली और सोशियो ग्लोबली हमारी बहुत अच्छी जो है वो बहुत अच्छा इम्पैक्ट क्रिएट कर सकती है हमारे यहाँ के लोगों के लिए और बाहर के लोगों के लिए भी। ओके ग्रेट। अच्छा थर्ड जो क्वेश्चन है वो ये है कि अच्छा चलिए, हम इसको एजुकेशन की तरफ थोड़ा सा हमने डिस्कस कर लिया, अब हम इसको बताते हैं कि इन पोस्ट पेंडेमिक सिनेरियो, जैसा कि आपको पता है कि इस पेंडेमिक में पूरा साल आप लोगों को काफी लॉस का भी आपको देखने को मिला, क्योंकि लोग नहीं जा रहे हैं, ना लोग आ रहे हैं, ना लोग जा रहे हैं, तो इसमें जो है कि टूरिस्ट इंडस्ट्री का अभी जो कुछ राइटर्स हैं और कुछ एनालिस्ट हैं और इसके अलावा जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, उसका ये क्लेम है कि पूरा ये जो डेकेड है ये रहेगा
अकॉर्डिंग टू देयर एनालिसिस ये पूरा डेकेड कोरोना किसी भी फॉर्म में कभी भी आता रहेगा और ये पूरा 8 years 10 years रहेगा. तो अब टूरिज्म इंडस्ट्री को इसके लिहाज से भी काफ़ी जो है वो नुकसान और नुकसान दरपेश है और काफ़ी चीज़ों का उनका चैलेंजेस का सामना है. तो इस पे इस पेंडेमिक में भी आप लोगों का क्या सिनेरियो रहा है एंड व्हाट इज द फ्यूचर ऑफ टूरिज्म इंडस्ट्री स्पेशली इन पाकिस्तान इस पेंडेमिक सिनेरियो में और पोस्ट पेंडेमिक सिनेरियो में क्या इसका है. बिलाल असलम आप इस पे बात करें. जी अच्छा इसमें पहले तो हम कुछ स्टैट्स की बात करते हैं. जो आपने बात की कि वाकई टूरिज्म इंडस्ट्री वाज द फर्स्ट वन टू गेट सफर्ड और इसी तरह से क्योंकि आपको पता होगा कि जैसे कोविड आया तो सबने बॉर्डर्स क्लोज किए एयरलाइंस ने अपने ऑपरेशंस क्लोज करना शुरू किए और दिस इंडस्ट्री सैडली विल बी द लास्ट वन टू रिकवर फ्रॉम दिस पेंडेमिक. ये बड़ा एक अनफॉर्चुनेट सी और उसमें कुछ फिगर्स मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा. अगर हम इस साल अप्रैल की बात करें मार्च अप्रैल की तो मार्च में इस साल ट्रेवल किया है 31 मिलियन पैसेंजर्स ने जो बराबर है 1970s के ट्रेवल के. यानी मार्च अप्रैल का जो हमारा ट्रेवल था उसका नंबर उतना ही रहा है जो लेट 70s की ट्रेवलिंग थी और फिर मई में जाके ये फिगर अप होना शुरू हुआ दोबारा. और अभी भी अगर हम स्टिल देखें तो चाइनीज का जो हिट था वो 30% था than their usual travel. American hit was like 57% और जो यूरोप का हिट था वो 75% था than the normal routine. यानी इतना एयर ट्रेवल इंडस्ट्री ने सफर किया. और एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट मैं आपसे शेयर करना चाहूंगा कि मार्च अप्रैल में हीथ्रो एयरपोर्ट का जो पूरे मंथ की जितनी फ्लाइट वहां से गई हैं जितना फ्लाइट लोड था हीथ्रो पे नॉर्मली इतना फ्लाइट लोड वन डे का होता है हीथ्रो का. तो आप यहाँ से अंदाजा लगा सकती हैं कि इसका कितना मैसिव इम्पैक्ट है. और जो आयाटा जो एयरलाइंस की एक एसोसिएशन है और आयाटा की जो प्रेडिक्शन है वो ये है कि ये फेस जाएगा टिल नेक्स्ट 3 years और जो 2019 वाला ट्रेवल था वो दोबारा रिज्यूम होगा 2023 में जाके. सो अभी भी हार्डशिप्स जो है वो टूरिज्म इंडस्ट्री की वो खत्म नहीं हुई है. वी आर स्टिल इन द मिडल ऑफ दिस क्राइसिस एंड दिस क्राइसिस विल गो यू नो विल परसिस्ट. ऐसा नहीं होगा कि जैसे हम बात करते हैं कि आज वैक्सीन आ गई और कल दोबारा एयर ट्रेवल शुरू हो जाएगा. इस तरह से सिचुएशन बिल्कुल टर्न अप नहीं होगी. और एक और मैं आपसे स्टैटिस्टिक्स शेयर करना चाहूंगा कि आयाटा ने वॉर्न किया है गवर्नमेंट को कि अगर गवर्नमेंट सपोर्ट ना हुई तो 700 एयरलाइंस में से सिर्फ 30 एयरलाइंस कुड सरवाइव. बाकी एवरीबॉडी विल इधर शट देयर ऑपरेशन या वो बड़े मिजरेबली फेलियर की तरफ जाएंगे. तो ये तो थी जो एक आप कहेंगे कि नेगेटिव साइड. अब इसका इम्पैक्ट क्या हुआ. इम्पैक्ट ये हुआ कि इकोनॉमिक हार्डशिप्स बहुत बढ़ गई. जो लोग टूरिज्म इंडस्ट्री से एसोसिएटेड थे क्योंकि ये पूरी एक सप्लाई चेन है इसमें टूर गाइड्स हैं इसमें होटल एंड रेस्टोरेंट ओनर्स हैं उन सारों का रोजगार इससे इफेक्ट हुआ है. अगर हम इस्तांबुल की जमील साहब ने बड़ी राइटली बात की कि इस्तांबुल में इतना टूरिज्म हो रहा था और अब अगर वो टूरिज्म एकदम ब्रेक होता है और जैसे एयर ट्रेवल के मैंने आपसे स्टैट्स शेयर किए तो कौन इफेक्ट होगा. टूर गाइड्स इफेक्ट होंगे होटल इंडस्ट्री होगी हॉस्पिटल्स होंगे लोकलों की इकोनॉमी बुरी तरह से इफेक्ट होगी उनके ट्रांसपोर्ट वाले प्रॉब्लम्स में आएंगे इवन उनकी मार्केट्स प्रॉब्लम में आएंगी. क्योंकि अगर हम टर्की की बात करें तो ग्रैंड बाजार जो उनका मेन बाजार है या स्पाइस बाजार अगर आप वहाँ देखें तो आप मोस्टली फॉरेन टूरिस्ट नजर आते हैं और टूरिस्ट तो मैं हमेशा एक बात करता हूँ कि टूरिस्ट एक चलता फिरता डॉलर है. टूरिस्ट के साथ बड़ा फ्रॉड भी होता है क्योंकि हर जगह पे हर कंट्री में लोग उसको देखते हैं कि ये चलता फिरता डॉलर है ये डॉलर खर्चे ऐसे पैसे निकल पाए पैसा मिंट करें. तो इस तरह से इकोनॉमिक हार्डशिप्स बहुत बड़ी इनइक्वालिटीज बहुत बड़ी. जो हमने बात की कि इस सेंचुरी में जो हमें ईज ऑफ ट्रेवल की बात की हमने बॉर्डरलेस कंट्रीज की बात की हमने शेंजन जोन की बात की तो कंट्रीज ने अपने बॉर्डर ज्यादा स्ट्रिक्ट कर दिए रिस्ट्रिक्शन ज्यादा आ गए और इस सारे से बैडली ये हिट हुआ. लेकिन फरियाल इस सबने एक पॉजिटिव पहलू भी है जिसको हम पाकिस्तान के लिहाज से भी देख सकते हैं और वो पॉजिटिव पहलू ये है कि टूरिज्म ग्लोबलाइज से लोकलाइज की तरफ ट्रांस. अगर हम पाकिस्तान की बात करते हैं तो पाकिस्तान एक बड़ा लार्जली पॉपुलेटेड कंट्री है तो जो हमारा सारा पैसा बाहर जा रहा था आउटबाउंड ट्रेवल हो रहा था जैसे जमील साहब ने बड़ा राइटली ये पॉइंट आउट किया कि हमारे टूर ऑपरेटर्स काम कर रहे थे आउटबाउंड पे. आउटबाउंड मतलब ये कि जो पाकिस्तान से लोग बाहर जा रहे हैं ट्रेवल करने के लिए तो डॉलर्स या जो पैसे की मूवमेंट थी वो बाहर की तरफ थी तो अब वो लोकलाइज हुआ.
और लोगों ने अगर आप लेट से आप टर्की नहीं जा सकते, आप अगर यूरोप नहीं जा सकते, तो आप कहाँ जाएंगे? आपने निकलना तो है, अब हमारे हिल एरियाज हैं, हमारे हिल स्टेशन हैं, तो वही पैसा डाइवर्ट हुआ लोकलाइज की तरफ। अच्छा, ये पाकिस्तान में नहीं हुआ, ये पूरी दुनिया में हुआ। अगर अप्रैल मई के आप एयरबीएनबी के स्टैट्स देखें तो 80% जो एयरबीएनबी की बुकिंग्स हैं वो लोकलाइज्ड हैं, जो उनका डोमेस्टिक ट्रेवल था। डोमेस्टिक ट्रेवल मीन्स कि अगर इस्तांबुल में आप रह रहे हैं तो आप इस्तांबुल से जा रहे हैं मे बी अंतालिया और मे बी सम अदर सिटी। इस तरह से अगर आप थाईलैंड में आप बैंकॉक में रहते हैं तो मे बी बैंकॉक का रेजिडेंट फुकेट जा रहा है, बैंकॉक का रेजिडेंट पताया जा रहा है। तो ये उनका लोकलाइज्ड हुई, तो ये एक इम्पैक्ट है जो पूरी दुनिया में आया और ये इम्पैक्ट आगे चलेगा। अब होगा क्या कि एकदम पैसा आएगा, पैसा इंजेक्ट होगा लोकल इकोनॉमी की तरफ, बट उसका इसके दोनों साइड्स हैं, इसके लाइक प्रोज एंड कॉन्स हैं। इसकी पॉजिटिविटी क्या है कि टूरिज्म बहुत ज्यादा आ रहा है, लेकिन अगर आप उस टूरिस्ट को केटर नहीं कर सकेंगे, आप उसको सेफ एंड साउंड एनवायरनमेंट नहीं दे सकेंगे, अगर आप मेडिकल फैसिलिटीज नहीं दे सकेंगे, तो वो टूरिस्ट और डिसअपॉइंट होगा। और जिस वक्त आपका ये दोबारा इंटरनेशनल ट्रेवल रिज्यूम होगा तो वो एक बैड मार्केटिंग भी करेगा, और नेचुरली ये आपके पास एक बड़ा गुड टाइम है कि आप उसके रेवेन्यू को बेटर यूटिलाइज कर सकते हैं। जो हमने गवर्नमेंट इंटरवेंशन की बात की, इंडस्ट्री की बात की कि इंडस्ट्री होनी चाहिए, तो इंडस्ट्री में इंफ्रास्ट्रक्चर इज प्योरली अ गवर्नमेंट